गर्मियाँ हैं, आई एम श्योर कि आप भी परेशान होंगे कि सन टैनिंग के वजह से आपकी जो बॉडी थी ना, वो पहले तो गोरी गोरी दिखती थी, पर अभी काफ़ी टैनिंग होने के बाद वो हल्की काली पड़ गई है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे सही कर सकते हो। ये मैं लाइव आपको दिखाई हूँ कि पहले मेरा कैसा था और वन यूज़ के बाद मेरे कैसे हैंड हो गए। तो आप देख सकते हो वन यूज़ के बाद ही कितना अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ना एक क्रीम बनाया था, या सिरम बोल लो, जो भी बनाया था, तो इसके लिए मैंने लिया था क्यूकम्बर। क्यूकम्बर आपको पता है कि गर्मियों के दिन में बहुत मिलता है, और जो चीज़ सीजनल हो ना, वो बॉडी पे बहुत अच्छी इफ़ेक्ट देती है। तो इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होता है, साथ ही ये बॉडी की लाइटनिंग में मदद करती है। तो एक क्यूकम्बर आपको ले लेना है। ये क्यूकम्बर को आप अच्छे से धो लो, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रहते हैं इसके ऊपर, जो हमारे शरीर में जाके ख़राबी करते हैं। तो इसको धोने के बाद अच्छे से आपको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है सिंपली, और इसको काटने के बाद आपको मिक्सर में डाल देना है। और मिक्सर में डालने के बाद इसको पीस लो। इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत होता है, तो इसमें कुछ आपको डालने का ज़रूरत नहीं है। और अगर इसको आप पीस लोगे ना, तो उसके बाद आप देखोगे ऐसा कुछ पेस्ट जैसा हो गया है। तो छन्नी के मदद से इसको छान लो, तो जूस जो होगी ना, वो सारी अलग हो जाएगी, और आपको ऐसा ग्रीन ग्रीन टाइप का जूस मिलेगा, जो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं पीने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा वाटर कंटेंट होता है, या खुद भी पी सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे विटामिन ई ऑयल, यानी कि हमारा आलमंड ऑयल जो होता है, इसमें भर भर के विटामिन ई होता है। और इसको आप दूध में भी डाल के पी सकते हो, तो स्किन पे लगाने पे तो वाव ही हो जाएगा। उसके साथ आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालना है, जो कि आपका जो स्कैल्प के लिए तो अच्छा होता ही है, डैंड्रफ ये सब दूर होता है, पर हमारे बॉडी के लिए भी बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। साथ ही साथ एलोवेरा चाहिए, यह हमारा बेस होगा, जिसके वजह से ही हमारा ये क्रीम का फॉर्म में होगा, और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो सन बर्न जितना भी होगा उसको ये दूर करेगी। तो इसको आप मिक्स कर दोगे, मिक्स करने के बाद ना ग्रीन ग्रीन मिक्सचर टाइप बन जाएगा। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और इसका आप वीडियो देखे होगे ना, तो वीडियो में आपको येलोइश इसलिए दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मिक्स करने के बाद हमें 30 मिनट्स इसको धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद ये पूरा येलो हो जाता है, येस इज लाइक अ मैजिक। तो 30 मिनट या 20 मिनट रख लो, 20 मिनट ऐसे रखने के बाद धूप में, और मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा मार्केट में जैसा क्रीम मिलता है ना, वैसा हो गया है। तो इसको ले करके आपको हाथ में अच्छे से रब करना है, इसको कुछ धोने होने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक अ क्रीम, जैसे मॉइस्चराइज़र हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइप का है। तो इसको अच्छे से आपको लगा लेना है, और आप छोड़ दो। जब ये पूरा सूख जाएगा ना, तो आप आफ्टर रिजल्ट्स इसके देखना। दोनों हाथों में अच्छे से मैं लगा लूँगी, अभी आप डिफरेंस देख सकते हो, हल्का येलोइश सा टोन आ गया है, और ये आप आफ्टर रिजल्ट देखो कितना मस्त चमक गया है मेरा हाथ। सिर्फ एक बार की यूज़ में अगर इतना अच्छा इफेक्ट आता है ना, तो इसको आप अगर रोज़ यूज़ करोगे बॉडी लोशन जैसा, तो आपके पूरे जो हैंड्स हैं या लेग्स हैं, वो पूरे ही वाइटनिंग हो जाएंगे, यानी कि लाइटन हो जाएंगे। आपके काले काले भी, अगर आपके नकल्स काले होते हैं या आपके एल्बो काले होते हैं, तो वो सब दूर हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।